हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े डायग्नोसिस सेंटर में आग लग गई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू करने का काफी प्रयास भी किया। इस दौरान कई गाड़ियां और कार आग की चपेट में आ गई। करीब आधा दर्जन अग्निशमन की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू किया। वहीं SPCT हरबंग सिंह का कहना है कि आग की चपेट में दो कार आई है, 5 बाइक और 1 कार को जलने से बचा लिया गया है। फिलहाल आग लगने का कारण जांच किया जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आग को कारण का प्रश्न है, जांच में वो चीजें सामने आएगी, लेकिन यहाँ पर 2 कार क्षतिग्रस्त हुई है, 2 जली है और जो बाइक्स हैं वो 4 बाइक निकाल ली गई हैं और 1 कार ठीक स्थिति में है और 1 बाइक अभी अंदर है वो भी ठीक स्थिति में है। तो कुल जो हमारे फायर की टीम के द्वारा 5 बाइक को सेव किया गया और 1 कार को सेव किया।